देखिए आज फिर से हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर द नीट एंड एकेडमिक आंसर। सो टॉपिक जो चल रहा है वो ह्यूमन हेल्थ डिसीज का चल रहा है और आज फिर से मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें सिलेक्ट किए हैं। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो एमएससी जिसे मैंने बताया था मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी, इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी बोला जाता है। बच्चे याद रखिएगा जो एमएससी जीन होता है इसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग को याद रखना है। जो थाइमस होता है और बोन मैरो होता है ये एक तरीके का प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन होता है। जो थाइमस और बोन मैरो होता है ये प्राइमरी लिम्फोसाइट होता है, ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एंटीबॉडी का शेप होता है वो एक तरीके से वाई शेप्ड होता है। दिस इज अ वाई शेप्ड होता है, इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीबॉडी आर आल्सो कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। जो एंटीबॉडी होते हैं उसे इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी एंटीबॉडीज हैं वो एक तरीके से इम्यूनोग्लोबिन होते हैं और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखोगे। जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं वो एक स्पेशलाइज लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। जितनी भी नेचुरल किलर सेल्स हैं वो इट्स अ टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज लिम्फोसाइट सेल्स, तो ये भी आप लोगों को लर्न करना है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। और आपको पता होगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम होती है वो बेसिकली इम्यूनोलॉजी होती है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, ये आप सभी को आना चाहिए। जो एड्स का वायरस होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एड्स का वायरस होता है वो एक तरीके से इफेक्ट करता है टी सेल को, टी फोर लिम्फोसाइट्स को। इस टी फोर लिम्फोसाइट को एक तरीके से टी एस सेल्स या टी हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, और इसे आप लोगों को याद करना है क्योंकि एड्स जो होता है इससे रिलेटेड मतलब काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा था, फुल नेम ऑफ द एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स का जो बेसिकली टेस्ट होता है वो एलिजा टेस्ट के थ्रू होता है और इसमें पीसीआर टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। अच्छा, आपको मैं बता दूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा है कि 85 जो परसेंटेज होता है ह्यूमन में वो बेसिकली आरएच पॉजिटिव होते हैं। तो आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों की मेल और फीमेल होते हैं और उनकी मैरिज होती है, तो आने वाली जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके जो लिविंग एक्टिविटी होती है उसके 50% चांस होते हैं कि वो बॉर्न होगा, और सेकेंड थर्ड सारी जनरेशन जो होती हैं वो मृत घोषित होती हैं। तो ऐसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, काफी प्रोमिनेंट एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि एचआईवी एक रेट्रो वायरस होता है, तो आपको बता दें कि एचआईवी जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है इसको बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ रेट्रो वायरस, इसे रेट्रो वायरस कहते हैं, इस बात को याद रखना है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल जो होता है इस पे भी क्वेश्चन नीट पे आ चुका है, तो एचआईवी का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी।